शादी के 4 वर्ष बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। जिले के सफई इलाके के भालासैया गांव में शादी के 4 वर्ष बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतिका के परिजनों ने इस संबंध में ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। महिला की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। आखिर किस कारण से महिला ने मौत को गले लगाया, यह तो कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सफई थाना इलाके के ग्राम भलासैया निवासी सुरजीत कुमार की 23 वर्षीय पत्नी मधु ने घर पर कमरे के छत में लगा पंखे पर रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर सफई थाना प्रभारी वीरेंद्र बहादुर यादव पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंचे और मृतिका के शव को कमरे से बाहर निकलवाया तथा परिजनों से मामले के बारे में पूछताछ की। मृतिका मधु जसवंत नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जसोहन निवासी राम प्रकाश पुत्र रामचरण की बेटी है। पुलिस ने मृतिका के मायके वालों को उनकी बेटी द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर मायके पक्ष से भाई व पिता अन्य परिवार जन मौके पर पहुंचे। मायके पक्ष के परिजनों के सामने पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया गया कि मृतिका का पति गुड़गांव में प्राइवेट नौकरी करता है। घर पर सिर्फ ससुर व ननद घर पर थी। हालांकि महिला ने फांसी क्यों लगाई है, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। मृतिका के पिता राम प्रकाश ने आरोप लगाया है कि शादी करने के उपरांत बेटी को ससुर व पति व परिवारजन आए दिन अतिरिक्त दहेज के लिए तंग किया करते थे। कई बार रिश्तेदारों के माध्यम से समझौता हुआ, लेकिन आखिरकार हमारी बेटी की जान ही ले ली। पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। आज सुबह थाना सैफई पे सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव भालासैया में एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ये सूचना आई थी। इस सूचना पे तत्काल क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी सैफई मौके पर गए थे। वहाँ पे यद्यपि परिजनों ने डेड बॉडी उतार ली थी, जो वहाँ संज्ञान में आया था, जो लड़की के परिजन हैं वो भी थाना जसवंत नगर क्षेत्र के रहने वाले थे, वो भी आ गए थे। अभी शादी को 4 साल के करीब हुए हैं, उसमें क्योंकि 4 साल से कम हुए हैं, इसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भराया गया है। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं, उसमें दहेज व अन्य आरोप जो भी लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ आरोप अभी उनके द्वारा लगाए गए हैं लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी है। जो भी तहरीर देंगे उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जो भी इसमें दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।